और से आए सभी पार्षद महोदय, बीडीसी मेंबर, इलाके के उपस्थित सभी पंच सरपंच वे मेरी भाइयों बहनों और मातृशक्ति बुजुर्गों, सबसे पहले बतौर महिला मैं सबसे पहले महिलाओं के अधिकार की बात करना चाहती हूँ। महिलाएं हमारे समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में महिलाएं बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभा रही हैं और मैं इसे गर्व के साथ देखती हूँ। साथियों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कल हमारी भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है और उस संकल्प पत्र में सबसे पहला जिक्र महिलाओं का हुआ। मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा की सभी महिलाओं के लिए लाडो योजना के तहत हर महीने 2100 रुपये देने का वादा किया है। इस महत्वपूर्ण कदम के लिए मैं मुख्यमंत्री जी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। अभी कुछ दिन पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुरुक्षेत्र की पावन धरा से अनाउंस किया कि आज से आपके माता पिता के स्वास्थ्य की जिम्मेवारी हमारी है। इसी के तर्ज पर चिरायु आयुष्मान योजना के तहत हरियाणा के प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज देने का काम हमारी सरकार ने किया है। इतना ही नहीं, हमारे परिवार में 70 वर्ष से अधिक प्रत्येक बुजुर्ग को अलग से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा हमारे सरकार करने जा रही है। साथियों, ये नॉन स्टॉप हरियाणा हमें यूं नहीं कहते हैं। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अब हरियाणा नॉन स्टॉप विकास की पटरी पर चढ़ चुका है और अब ये रुकने वाला नहीं है। आपको विश्वास है? आपको विश्वास है? एक तरफ हमारे ऐसे ऊर्जावान मुख्यमंत्री हैं जिनके पास अगले 5 साल तक का नॉन स्टॉप विजन है और दूसरी तरफ विपक्ष जिनके पास अगले 5 साल का विजन तो दूर, उन्हें ये तक नहीं पता कि उनका मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन है। आप सबको किसी को पता है कि उनका मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है? नहीं पता, क्योंकि उनकी आपस की लड़ाई इतनी ज़्यादा है कि वो कोई फैसला ही नहीं कर सकते हैं। वो टिकट भी आखिरी वक्त तक नहीं फैसला कर पाए कि किसको देनी है। मैं आप सब में सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपने कभी विपक्ष के मुंह से सुना कि उनकी सरकार आई तो 50 किलोमीटर हाईवे बनाएगी? कभी उन्होंने कहा कि IMT, IIM और एम्स की संख्या दुगनी करेंगे, हर जिले में मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी देंगे? नहीं सुना होगा, क्योंकि उनके पास विकास का कोई विजन ही नहीं है। केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार ने पिछले 10 सालों में देश और हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। किसानों को 24 फसलों पर MSP देने वाला हरियाणा इकलौता ऐसा राज्य बन गया है। कांग्रेस के समय पर केवल 4 फसलों पर MSP दी जाती थी और आज हम 24 फसलों पर MSP देते हैं। इसी तरीके से हरियाणा ने बिना पर्ची खर्ची के मेरिट के आधार पर युवाओं को नौकरियां देने का काम किया है, उससे विपक्ष की नींद उड़ गई है और उनके पास बोलने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। क्योंकि एक समय होता था जब जिसके जितने सीधे संबंध होते थे उसकी उतनी सरकारी नौकरियां लगती थी। अब विपक्ष क्या कहता है? धारा 370 वापस लाएंगे, आतंकवादियों को फिर से मौका देंगे, राम मंदिर के फैसले को बदलेंगे। हमें अपने आप से सवाल करना होगा, क्या सचमुच हमें ऐसे नेताओं की आवश्यकता है? इसी के साथ मुख्यमंत्री जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे कालका क्षेत्र के लिए इस समय सबसे बड़ी चुनौती नशे की है। नशे ने युवकों को अपनी चपेट में ले लिया है और हमने कई होनहार नौजवान बच्चों को इस नशे की वजह से खो दिया है। मेरा आपसे निवेदन है कि आज आप इस मंच से हम सबको आश्वस्त करें
कि 8 अक्टूबर के बाद या तो यहाँ पर नशा खत्म होगा या नशा बेचने वाले। मुख्यमंत्री जी, आपके सहयोग से हम कालका को भय मुक्त और नशा मुक्त बनाना चाहते हैं, इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि अपने मतदान का सही से इस्तेमाल करें और आने वाले 5 अक्टूबर को कमल के फूल के आगे का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं और हरियाणा को विकास की एक नई ऊंचाई की तरफ लेकर जाएं। आप सब लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए एक बार सभी को मेरे साथ जोर से बोलना है, और जिस तादाद में आप सब यहाँ पहुँचे हैं, मैं आपका हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने हमारे ऊपर ये बहुत बड़ा एहसान किया है कि आपने मुख्यमंत्री जी को ये जताया है कि रायपुर रानी के लोगों का विश्वास हम में बहुत दृढ़ है। आप सब मेरे साथ बोलिए, भरोसा दिल से बीजेपी फिर से, भरोसा दिल से, भरोसा दिल से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमारे बीच में पूर्व केंद्रीय मंत्री, हरियाणा सरकार में अनेकों विभागों के मंत्री रहे, बहुत ही वरिष्ठ नेता पंडित विनोद शर्मा जी से है, से मैं निवेदन करूंगा, आप आए और आई हुई सभी यहाँ की जनमानस का मार्गदर्शन करें। आदरणीय विनोद शर्मा जी, भारत माता की। आदरणीय हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, जिनके बारे में मैं कितना भी कहूं वो कम होगा, ये पूरे देश में पहली मिसाल होगी कि इतने कम अरसे में इतनी उपलब्धियां उन्होंने अपने नाम की हैं। आज हरियाणा का जन जन इनसे खुश है, आज हरियाणा की जनता ने इनके कार्य को देखते हुए आने वाले 5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और श्री नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने का इरादा कर लिया है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि इसी इलाके से एक साधारण परिवार से उठकर अपनी सेवा के जरिए लोगों के मनों में प्यार बनाकर आशीर्वाद लेकर आज पूरे हरियाणा की सेवा कर रहे हैं। इनके मन में जो बलबले हैं, जिस तरह से ये हरियाणा के 36 बिरादरी के लोगों को ऊपर उन्नति की राह पर डाल लेके जाना चाहते हैं, उस तरह का जो जज्बा इनके पास है, हम सब मिलकर उस जज्बे की कदर करते हैं और हम सब मिलकर उनका साथ देंगे और हम सब मिलकर ये निश्चित करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और श्री नायब सिंह सैनी जी उसके मुख्यमंत्री बने। माफ करना, आप यहां 4 बजे से बैठे हैं, 4 घंटे होने वाले हैं, लेकिन आपका स्नेह माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ऐसा है कि 4 घंटे में मैंने एक व्यक्ति को भी यहां से उठ के वापस नहीं जाते देखा। 4 घंटे से निरंतर बैठे हैं। आपकी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी
श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री दीपक शर्मा जी, जिला प्रभारी प्रमोद कौशिक जी, चुनाव प्रभारी श्री श्यामलाल बांसल जी, श्री वरिंदर भाऊ जी, श्री मदन देवान जी, श्री ओम प्रकाश देवीनगर जी, श्री वरिंदर राणा जी,